सो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स का पोषण ट्रैकर ऐप की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो बहनों, पोषण ट्रैकर ऐप का 20.6 के अपडेट आने के बाद जो आप लोग THR और HCM भर रहे थे उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड किया गया है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पे THR और HCM वाला ऑप्शन को ओपन कर रखा है, और कल हमारे पास एक आंगनबाड़ी बहन का कॉल आया था। वो पूछ रही थी कि पोषण ट्रैकर ऐप में जो न्यू अपडेट आया है उसमें THR का जो ऑप्शन है उसमें पैकेट्स का ऑप्शन मांग रहा है, जैसा कि अभी आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इसमें पैकेट्स में हम क्या डालेंगे और यहाँ पे डे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले वाले अपडेट के बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को पहले लिखा हुआ मिल रहा था 7 दिन 14 दिन 25 दिन, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल रहे थे, तो वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ पर आपको ये जो पैकेट्स और डे वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर दिया गया है। तो इसको कैसे भरना है आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो HCM आप लोग देते हैं बच्चों को उसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे मॉर्निंग स्नैक्स में आप जिन बच्चों को मॉर्निंग स्नैक्स देती हैं और उसके बाद यहाँ पे जो HCM वाला ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पे जो जिनको हम लोग HCM देते हैं, जैसे कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको हम लोग HCM प्रोवाइड कराते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे HCM वाले पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से बच्चों का नाम तो ऐड हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप नीचे देखेंगे राइट साइड के कोने में तो यहाँ पर HCM टाइप पूछ रहा है। यहाँ पर आपको HCM टाइप क्या सेलेक्ट करना है वो आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करना है कि पोषण ट्रैकर ऐप का जो 20.6 का अपडेट आया हुआ है उसको अपडेट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो अटेंडेंस और मॉर्निंग स्नैक्स वाला ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है, और आपके आंगनबाड़ी केंद्र पे कितने बच्चे आए हैं जिनको हम लोग मॉर्निंग स्नैक्स और HCM प्रोवाइड कराते हैं उनका अटेंडेंस आपको यहाँ से लगा लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे 22 बच्चों का अटेंडेंस लगाया हुआ है, तो उन बच्चों को हम लोग HCM कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर आप THR वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो स्कूल पूर्व शिक्षा ले रहे बच्चे हैं उनको यहाँ पर हमें HCM देना है, तो HCM वाले पर क्लिक करेंगे। ठीक है, HCM पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो पहले आप लोग क्या करते थे, यहाँ पे जिन बच्चों को HCM प्रोवाइड कराते थे उन पे यहाँ पे सेलेक्ट करके और सबमिट कर देते थे तो आपका सबमिट हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जब तक इसको आप सेलेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका यहाँ पे HCM सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट से जितने बच्चों को हमने अटेंडेंस लगाया है, जितने बच्चे आए हैं उनको हम लोग HCM देंगे, तो उनका नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जितने बच्चों का अटेंडेंस लगाए हैं उतने बच्चों को हमें HCM देना है, तो उनका नाम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो HCM टाइप पूछ रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन खुल के आएगा, पहला कुक्ड मील और दूसरा पैकेट्स। तो कई राज्यों में क्या है कि बच्चों को जो है HCM प्रोवाइड पैकेट्स में कराया जाता है, और कई राज्यों में जो है कि खाना पकाकर खिलाया जाता है। तो आपके कंडीशन में क्या है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा, आपके यहाँ पैकेट्स में वितरण होता है तो पैकेट सेलेक्ट कीजिएगा, और खाना पकाकर दिया जाता है तो कुक्ड मील पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुक्ड मील पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो सबमिट वाला ऑप्शन है इस सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे HCM वाला जो ऑप्शन है उसको सबमिट कर देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो HCM वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है, डिटेल्स सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। तो इस प्रकार से अब बच्चों को HCM यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा इस नए अपडेट के बाद। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कि जो लाभार्थियों को हम लोग THR वितरण करते हैं उसके लिए हमें यहाँ पे पैकेट्स में क्या सिलेक्ट करना है और कितने दिनों के लिए यहाँ पे THR की जो एंट्री है वो करनी है। तो जैसे कि जिस लाभार्थियों को आप लोग THR देते हैं उसके नाम के आगे जो ये सर्कल दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जो 7 दिन 14 दिन 25 दिन का ऑप्शन आ रहा था वो ऑप्शन हटा दिया गया है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे डे सेलेक्ट करना है कि आप कितने दिन के लिए लाभार्थी को THR वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 से लेकर 25 दिनों का यहाँ पे डेट आ चुका है। आप जितने दिनों के लिए लाभार्थी को THR देते हैं, कई जगहों पे अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिनों के लिए THR वितरण किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर 25 दिनों के लिए THR वितरण किया जाता है, तो यहाँ पर हम 25 को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिला है पैकेट्स, तो पैकेट्स में आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं 0 और 1, तो आपको यहाँ पर 0 नहीं बल्कि 1 सिलेक्ट करना है, क्योंकि 1 लाभार्थी को हम लोग यहाँ पे पैकेट्स में सामग्री दे रहे हैं, पैकेट्स कहिए या 1 लाभार्थी कहिए, तो इस प्रकार से 2 ही ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसी प्रकार से नेक्स्ट जो लाभार्थी है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे 25 दिनों की संख्या सिलेक्ट करेंगे और पैकेट्स में 1 सिलेक्ट करेंगे, और जितने भी लाभार्थी को आप लोग देते हैं इस प्रकार से सिलेक्ट करते जाएंगे और आप यहाँ पर लास्ट में जाकर सबमिट कर देंगे।
तो जिन्होंने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पे THR वितरण कर लिया है वो इस प्रकार से THR भरेंगी और यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को THR भरना है। तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और स्टॉक रजिस्टर के बारे में भी जो नई अपडेट आई है उसके रिलेटेड बहुत जल्द आप लोगों को एक नई वीडियो मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।